आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल स्पेस साइंस पर, जिसमें मैं आपके लिए लाता हूँ स्पेस से जुड़ी इंटरेस्टिंग और अद्भुत वीडियोस। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि हमारी धरती कहाँ है? जवाब आसान है, सौरमंडल में। सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे में है। मिल्की वे ब्रह्मांड का एक बेहद छोटा हिस्सा है, लेकिन हमारी धरती एक ऐसे बुलबुले के बीच फंसी है जो दर्जनों तारों के विस्फोट के बाद बना है। इस बुलबुले को वैज्ञानिक स्विस चीज कह रहे हैं। यह बुलबुला कई सुपरनोवा विस्फोटों के बाद निकले गैसों और बादलों का समूह है। धरती जिस स्विस चीज बुलबुले के अंदर है वह करीब 1000 प्रकाश वर्ष चौड़ा है। इसके अंदर कई बच्चे तारे हैं, यानी कुछ खत्म हुए तारों से निकले गैस के बीच धरती और कुछ नए छोटे तारे भी हैं और कुछ नए छोटे तारे भी मौजूद हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार यह एक सुपर बुलबुला है। यह सुपर बुलबुला कम से कम 15 ताकतवर तारों के विस्फोट से बना है। आपको बता दें कि इस बुलबुले के बारे में सबसे पहले 1970 में पता चला था। तब इसे स्थानीय बुलबुला नाम दिया गया था, क्योंकि तब वैज्ञानिकों को यह लगा था कि इस बुलबुले के अंदर किसी तरह के 1,40,00,000 साल से तारों का विस्फोट नहीं हुआ होगा। इस बुलबुले के बाहर तारों का विस्फोट हुआ होगा या फिर तारे इसके अंदर से आ जा रहे होंगे, जैसे हमारा सूरज इसके अंदर बाहर कहीं से आया है। हालांकि तब भी यह माना जा रहा था कि इस स्विस चीज बुलबुले के बनने में सुपरनोवा का हाथ है। इस बुलबुले के अंदर हाइड्रोजन जैसी कई गैसें रही होंगी जिनकी वजह से तारों का निर्माण हुआ। लेकिन नेचर जर्नल में 12 जनवरी 2022 को प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक यह कोई स्थानीय बुलबुला नहीं है। वैज्ञानिकों ने इस बुलबुले के अंदर और बाहर के नक्शे को मिलाया, उसके अंदर बाहर मौजूद सुपरनोवा की स्टडी की। इसके बाद पता चला कि यह हमारी आकाशगंगा में ऐसे कई बुलबुले हैं जो तारों का निर्माण करते हैं। नासा में हबल टेलीस्कोप टीम की सदस्य और मैरीलैंड स्थित स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट के रिसर्चर कैथरीन जकर ने बताया कि जब हमने इस स्विस चीज बुलबुले के अंदर और बाहर के तारों, ग्रहों, सुपरनोवा आदि का अध्ययन किया तो पता चला कि पिछले 1000 सालों में इसके आसपास कई नए तारों का जन्म हुआ है। इसकी वजह से हमारी आकाशगंगा में नया इतिहास बना है। कैथरीन ने बताया कि यह बुलबुले किसी निश्चित आकार का नहीं है, यह फैल रहा है। यह किसी एक विस्फोट से बना नहीं, यह एक जेली जैसा ढांचा है जो अलग अलग दिशाओं में फैलता और हिलता रहता है। जब कोई ताकतवर सुपरनोवा विस्फोट होता है तो वह शॉक वेव पैदा करता है। शॉक वेव के साथ ही आसपास की गैस दूर एक घेरे में धीरे धीरे अंतरिक्ष में फैलना शुरू करती है, जो बाद में अलग अलग विस्फोट से निकले गैसों और धूल के गुब्बार से मिलकर बुलबुला बना लेती है। लगातार हो रहे सुपरनोवा विस्फोट की वजह से ऐसे गुब्बार निकलते हैं, शॉक वेव निकलती रहती है, इससे बुलबुले आकर फैलता रहता है। शोधकर्ताओं को इस बुलबुले से संबंधित डेटा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गाइया स्पेस ऑब्जर्वेटरी से मिला, जिसके बाद उन्होंने इस बुलबुले का 3D नक्शा तैयार किया। बुलबुले की दीवारों, उसकी लंबाई चौड़ाई का अध्ययन किया गया, साथ ही उसके अंदर और बाहर की संरचना को भी पढ़ा गया। कैथरीन ने बताया कि हम यह देखकर हैरान थे कि जब यह बुलबुला बनता है तब यह कितनी तेजी से फैलता है। इसके फैलने का दर 6.5 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस चीज बुलबुला इतनी ही तेजी से फैल रहा है। आप ही सोचिए कि यह बुलबुला 30,400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फैल रहा है। इसकी गति कम ज्यादा होती रहती है। जैसे ही इसके अंदर कोई सुपरनोवा विस्फोट होता है यह तेजी से फैलने लगता है। इस बुलबुले को बनने में कम से कम 15 ताकतवर सुपरनोवा विस्फोटों की जरूरत पड़ी होगी। कैथरीन जकर ने बताया कि हमारा सौरमंडल अभी इस बुलबुले के अंदर है। धरती तो एकदम केंद्र में स्थित है, लेकिन सौरमंडल हमेशा इसके अंदर नहीं रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। जय हिंद।